528, शेखपुरा में 631 और पश्चिमी चंपारण में 655 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक अररिया में 184, अरवल में 143, औरंगाबाद में 444, बांका में 122, बेगूसराय में 477, भागलपुर में 373, भोजपुर में 109, दरभंगा में 164, पूर्वी चंपारण में 224, गोपालगंज में 305, जमुई में 281, जहानाबाद में 105, कैमूर में 124, खगड़िया में 273, किशनगंज में 221, मधेपुरा में 247, मधुबनी में 385, मुंगेर में 380, नवादा में 129, पूर्णिया में 333, रोहतास में 174, सहरसा में 359, शिवहर में 114, सीतामढ़ी में 204, सिवान में 362 और सुपौल में भी 362 कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। बोकारो सिटी पुलिस ने शहर के दुंदीबाग कोऑपरेटिव कॉलोनी, नया मोड़ सहित कई जगहों पर फ्लैग मार्च कर जागरूकता अभियान चलाया। अभियान के दौरान उन्होंने शहरवासियों से कोरोना के रोकथाम के लिए गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। इसके साथ ही इंस्पेक्टर ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए सभी लोग सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए झारखंड में 13 मई तक के लिए फिलहाल लॉकडाउन लगाया गया है। जैसे कि देख रहे हैं कि कोरोना महामारी बहुत तेजी से फैल रहा है, सरकार के द्वारा भी जैसे जो गाइडलाइन जारी किया गया है, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 6 तारीख से 13 तारीख तक बढ़ाया गया है। हम लोग देख रहे हैं कि कुछ लोग जो नादानी कर रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, तो लोगों को जागरूक करने के लिए कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाए और घर से अनावश्यक नहीं निकले, इसी बात को लेकर प्राइवेट एम्बुलेंस चालन के लिए बिहार सरकार के द्वारा दर निर्धारित कर दिया गया है। निर्धारित दर से अधिक मनमाना किराया लेने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निर्धारित दर की सूची भी जारी की गई है। तो सरकार ने किराया दर को निर्धारित कर दिया है। साथ ही साथ ये सूची जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही सूची है, वो लिस्ट है जिस दर को अब निर्धारित कर दिया गया है। सीएम नीतीश ने यह फैसला लिया है और सरकार ने एम्बुलेंस के जो दर है, जो रेट है, उसे अब निर्धारित कर दिया। यानी कि जो मनमानी वसूली अगर करेंगे एम्बुलेंस के ड्राइवर, एम्बुलेंस के चालक, तो उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। महामारी जहां कई लोगों के लिए उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी आपदा बनकर आई है, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए यह कमाई का सबसे बेहतर अवसर बन गया है। खासकर रेमडेसिविर और ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी के मामले ज्यादा सामने आए हैं। वहीं ऐसी शिकायतें भी हैं कि एम्बुलेंस वाले भी मरीजों से मनमाना चार्ज वसूलते हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा कि इस तरह की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने को लेकर जिला प्रशासन काफी मुश्तैद है। ऐसे में पटना के डाकबंगला चौराहे से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखने के बाद यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां के लोग कितने लापरवाह हैं। आप देख सकते हैं एक स्कूटी पर 3 लोग बेवजह घूम रहे हैं और जिसमें से हेलमेट सिर्फ एक ही के पास है, बाकी 2 लोग बिना हेलमेट के नजर आ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने इन सभी का चालान काटा। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये राजधानी पटना के डाकबंगला चौराहे की तस्वीर है, स्कूटी पे जहां पर 2 लोगों को अनुमति दी गई है। आप 2 पहिया वाहन पर 2 लोग ही बैठ सकते हैं, वो भी डबल हेलमेट अब लागू कर दिया गया है सूबे में भी, लेकिन यहां पर ट्रिपल लोडिंग, कानूनी कार्रवाई यहां पर की जा रही है। इनका चालान भी काटा गया है। साथ ही साथ बेवजह लोगों को घर से बाहर निकलने की जब लोग अपील कर रहे हैं, प्रशासन लगातार अपील कर रहा है, सरकार अपील करे, तो ऐसे में इस तरह की बड़ी लापरवाही परेशानी का सबब है। तो राजधानी पटना के डाकबंगला चौराहे की तस्वीर आप देख सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिहार में 5 मई से 15 मई तक के लिए लॉकडाउन फिलहाल 10 दिन का लगाया गया है और इस 10 दिन के लॉकडाउन में जिला प्रशासन को भी सख्त निर्देश दिया गया है कि अलर्ट मोड में काम किया जाए। बेवजह लोग अनावश्यक तरीके से अगर घर से बाहर घूम रहे हैं, सड़कों पर मिलते हैं, तो उन पर कार्रवाई भी की जाए। और ये तस्वीर उनमें से एक है, राजधानी पटना के डाकबंगला चौराहे की, जहां ट्रिपल लोडिंग करते हुए इस व्यक्ति का चालान काटा गया है।
तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, राजधानी पटना की ये तस्वीर सामने निकल कर आई है, लगातार प्रशासन मुश्तैदी से काम कर रहा है और इस तरह की लापरवाही परेशानी का सबब है। जी हाँ ऋतिक, साफ तौर पर ये जो लापरवाही है वो दिख रही है, क्योंकि सरकार यहाँ पे गलती कर रही है। सरकार को हमने कल भी बताया था अपने दर्शकों को कि सरकार को पहले नया नियम लाना चाहिए कि 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम, क्योंकि अगर आप 4 घंटे एक साथ लोगों को भेजेंगे तो कहीं ना कहीं सारे लोग बाहर निकलेंगे और ये स्थिति आज नहीं रोज बनेगी जब तक अगर ये चीजों को चेंज नहीं किया जाएगा। वो तीन एक बाइक पे एक स्कूटी पर 3 लोग अगर एक साथ चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये कोरोना का और बुलावा है। लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि कोरोना संक्रमित हो जाए लेकिन हम काम करेंगे, और बिना हेलमेट के लोग निकल रहे हैं, लेकिन प्रशासन जो है, जो पुलिस वाले हैं, उन्हें समझा रहे हैं, उनका चालान काट रहे हैं, लेकिन लोग नहीं समझना चाह रहे हैं। ऋतिक, तो फिलहाल उत्कर्ष, आप इस वक्त पटना की राजधानी की सड़कों पर हैं, वहां पर कैसा आलम है? लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है, कल पहले दिन की बात भी हमने की थी, आज दूसरा दिन है, लॉकडाउन 10 दिन के लिए लगाया गया कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए, आज दूसरा दिन, किस तरह का माहौल राजधानी की सड़कों पर? ऋतिक, आज दूसरा दिन है, अमूमन भीड़ की तरह आज भी भीड़ था, लेकिन जो वो सब्जी मंडी है जहाँ पे हमने आज सुबह भी दर्शकों को तस्वीर दिखाई कि सब्जी मंडी में किस तरीके से भीड़ लगी हुई है। हालांकि सबसे बड़ी लापरवाही प्रशासन की बस स्टैंड में दिख रही है कि जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं लेकिन किसी का कोविड टेस्ट नहीं किया जा रहा है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय, चाहे वो दूसरे राज्य से आ रहे हो या दूसरे जिलों से, लोग आ रहे हैं, बस से उतर रहे हैं और सीधे अपने घर चले जा रहे हैं। अगर ऐसे में प्रशासन चूक दिखाएगी तो कितने लोग संक्रमित होंगे और इस लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं बनेगा। तो फिलहाल एक सवाल आपसे ये उत्कर्ष, जैसा कि आपने बताया कि लोग अंतर्राज्यीय कहीं से भी आ रहे हैं, बिहार सूबे के कहीं से भी अन्य जिलों से, वहां पर उनका कोविड टेस्ट नहीं किया जा रहा है, ये लापरवाही है, बेशक जो है लापरवाही है और ये परेशानी का सबब भी बन सकती है, लेकिन जिला प्रशासन को ये सख्ती दी गई है, ये पूरा पूरी की पूरी उनको ये पावर दिया गया है कि आप 10 दिन तक के लिए कोरोना गाइडलाइन का लोगों से पालन कराएं और कोरोना के जो रोकथाम है उस पर रोकने का पूरा पावर उन्हें दिया गया है, सरकार ने दिया है, लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं, इसकी क्या कुछ वजह है और प्रशासन जो नहीं मान रहे उन पर क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? जी ऋतिक, लोग इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि प्रशासन में चूक दिख रही है। जब हमने सिविल सर्जन, पटना के सिविल सर्जन को फोन करा और उनसे जानने की कोशिश की कि बिहार में लॉकडाउन है और ऐसे में बस चल रही है तो उनमें जो कोविड का प्रोटोकॉल है वो पालन नहीं किया जा रहा है, जो लोग उतर रहे हैं उनकी जांच नहीं हो रही है, तो सिविल सर्जन को ये भी नहीं पता है कि वहां जांच हो रहा है या नहीं, और उन्होंने फोन काट दिया। जब हमने कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो नंबर जारी किया गया है वहां पर हमने फोन करा तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं है कि बस चल रहा है या नहीं चल रहा है। ऐसे में अगर प्रशासन ही मुस्तैद नहीं होगी तो लोग क्या करेंगे? लोगों को तो परेशानी अपनी खुद की है, अगर प्रशासन उन्हें समझाएगी नहीं, सिर्फ चालान नहीं काटेगी, तो ऐसे में प्रशासन एक साफ तौर पर विफल दिख रही है यहाँ पे। ऋतिक, एक आखिरी सवाल आपसे उत्कर्ष हमारा, जैसा कि पहले दिन लॉकडाउन का हमने देखा था कि वहां पर लाठियां भी भांजी गई थी, अगर जो जिन्होंने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया उन पर लाठियां बरसाई गई, आज दूसरा दिन है, अगर पहले दिन इस तरह की सख्ती अपनाई जाती है तो दूसरे दिन लोगों को समझ में आना चाहिए और लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, तो आज दूसरे दिन, पहले दिन के मुताबिक अगर मैं ग्राफ देखूं तो पहले दिन और दूसरे दिन में क्या कुछ अंतर आज राजधानी में देखने को मिल रहा है उत्कर्ष? जी हाँ ऋतिक, पहले दिन और दूसरे दिन की अगर बात करें तो जैसे अभी लॉकडाउन लगा है उसका विपरीत हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि कल लॉकडाउन था आज अनलॉक 1 हो गया है, क्योंकि जो रोड पे भीड़ है अमूमन भीड़ से ज्यादा भीड़ है, लोग साफ तौर पर घूम रहे हैं, कुछ दुकानें भी खुली हैं, प्रशासन किसी को कुछ बोल नहीं रहा है और घूमते ही जा रहा है। अगर ऐसे में सरकार सख्त नहीं होती है तो कहीं ना कहीं कोरोना का संक्रमण और तेजी से फैलेगा और लोग ज्यादा संक्रमित होंगे। जी, आप लगातार नजर बनाए रखें राजधानी की सड़कों पर, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे और लॉकडाउन के बारे में लगातार आपसे जवाब और अपडेट हम लेते रहेंगे। उत्कर्ष, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये राजधानी पटना की तस्वीर डाक बंगला चौराहे की, जहां पुलिस ने ट्रिपल लोडिंग में चालान काटा है। बिहार में लगे लॉकडाउन का असर औरंगाबाद में भी नहीं दिख रहा है। दरअसल सुबह होते ही शहर की सड़कों और बाजारों में दैनिक सामग्रियों और सब्जियों की खरीदारी को लेकर भीड़ उमड़ती दिखी। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। वहीं इस मामले में युवा कांग्रेस नेता शहनवाज रहमान ने जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि अधिकारी बाजार में 11 बजे से पहले भी निकलकर स्थिति का जायजा लें। इसमें जो 4 घंटे का समय दिया गया है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। सब्जी बाजार हो, किराना दुकान हो, चाहे मीट की दुकान हो, चाहे मछली की दुकान हो,
चाहे भी जो भी मेडिकल दवाखाना है, इस तरीके का सोशल डिस्टेंस का धज्जिया उड़ रहा है। लोग अपना जान नहीं दे रहे हैं, अपने जान को लोग सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, बिना मास्क पहने हुए सामान का खरीदारी कर रहे हैं, और ना दुकानदार ही मास्क लगा रहे हैं और न ही ग्राहक को कर रहे हैं। बिहार में लॉकडाउन की शुरुआत होते ही सड़कों पर प्रशासन की सख्ती देखने को मिल रही है। ऐसे में पुलिस चेकिंग के दौरान बेगूसराय में अजब तस्वीर देखने को मिली। दरअसल बेगूसराय जिले के बखरी थाना क्षेत्र के समसा निवासी विजय कुमार की शादी सहरसा जिले की नेहा कुमारी से 3 मई को हुई और बारात 5 मई को वापस हो रही थी, लेकिन लॉकडाउन के दौरान सख्ती की बात करते हुए प्रशासन ने नवदंपति को सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने और नियमों को तोड़ने के एवज में पकड़ के आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तीन तारीख को था। अच्छा। बारिश के कारण वहाँ पे जा नहीं पाए, क्योंकि रास्ता जाम हो गया था, तो 4 तारीख को रास्ता जाम हो गया तो नहीं गए। 5 तारीख के सुबह में गाड़ी रिजर्व करके आ रहे। मामला है कि बिहार सरकार का निर्देशानुसार आदेशी सरकार के द्वारा किया गया है कि कोई तरह का वाहन मालवाहक का छोड़कर इधर उधर कोई नहीं घूमे, बिना मास्क का कोई नहीं घूमे। पूरा लॉकडाउन बिहार सरकार के द्वारा लागू कर दिया गया है, सरकार का निर्देश का हम लोग पालन कर। देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है, रक्सौल भी इससे अछूता नहीं है। हर दिन आम लोग और स्वास्थ्य कर्मी बड़ी संख्या में संक्रमित हो रहे हैं, मरीजों के इलाज के लिए संसाधन भी कम पड़े हैं। ऐसे में भारत विकास परिषद शाखा रक्सौल और सीमा जागरण मंच रक्सौल इकाई के सम्यक प्रयास और जन सहयोग से इस बीमारी को मात देने के लिए आगे आई है। इसी कड़ी में शहर के हजारीलाल हाई स्कूल में बने कोविड हेल्थ सेंटर के पास खाना बनाने वाले प्रेशर कुकर में भाप बनाकर सभी स्वास्थ्य कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों को भाप दिया जा रहा है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, तस्वीर रक्सौल की है, स्टीम। जैसा कि लोग कहते हैं कि कोविड 19 से बचने के लिए आपको स्टीम जरूर लेना चाहिए, आपको भाप लेना चाहिए, उसको लेकर यहां भाप के जरिए इम्यूनिटी मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं, रक्सौल के संस्थाओं की सराहनीय पहल है। और तस्वीर हमारे सामने है जो आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए यह खास व्यवस्था की गई है, भाप के जरिए इम्यूनिटी मजबूत करने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। तो रक्सौल के संस्थाओं द्वारा यह सराहनीय पहल की गई है, फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए यह पूरी खास व्यवस्था की गई है। कोविड केयर सेंटर, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है रक्सौल का पूर्वी चंपारण जिले के अंदर। तो ये कोविड केयर सेंटर में भाप के जरिए जो भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन कर्मी हैं, उन सबको भाप के जरिए इम्यूनिटी मजबूत करने की और बोला जा रहा है। और ये लोग तमाम भाप के जरिए अपना इम्यूनिटी मजबूत करें, क्योंकि फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। कोरोना के इस महामारी में सभी लोग फ्रंटलाइन वर्कर्स काम कर रहे हैं, और इस महामारी के बीच स्टीम लेना और ये भाप लेना कहीं ना कहीं इम्यूनिटी को मजबूत भी करता है, और इम्यूनिटी मजबूत होगी तो आप कोरोना के चपेट में आने से बचेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए लॉकडाउन के फैसले को लेकर प्रशासन काफी मुश्तैद नजर आ रहा है। इसी कड़ी में मुंगेर जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक तारापुर पहुंचकर बाजारों का पैदल ही मुआयना किया और बेवजह बाहर निकलने वाले वाहन चालकों के वाहन को भी जब्त किया गया और जुर्माना भी वसूला गया है। इस दौरान एसडीओ एसडीपीओ सहित अन्य वरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। स्मार्ट नहीं निकाला गया, ये एक्चुअली संयुक्त रूप से हम लोगों ने और एसपी साहब लॉकडाउन को प्रभावित लागू करने के लिए अपील भी कर रहे हैं कि ये लॉकडाउन में सहयोग करें, साथ में जो नियम को तोड़ रहे हैं उन्हें सख्ती से भी पैसाया जा रहा है उनके साथ। इसी तरह में जो दुकानें सील की गई है, इसी कड़ी में सीतामढ़ी एसपी ने जिले की सड़कों का जायजा लिया है। इस दौरान लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों से जुर्माना भी वसूला गया। आपको बता दें कि जिलाधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा ने भी पदाधिकारियों को लॉकडाउन की सख्ती से पालन करवाने को लेकर दिशा निर्देश दिया है।
बात करेंगे बिहार पंचायत चुनाव की। बिहार पंचायत चुनाव को कोरोना की भेंट चढ़ते नजर आ रहा है, ऐसा देखा जा रहा है। 2016 में हुए आम पंचायत चुनाव का कार्यकाल 15 जून को पूरा हो रहा है और तब तक चुनाव होना असंभव है, यानी इस दिन मुखिया सहित तमाम पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकार छिन जाएंगे। यही कारण है कि कोरोना महामारी को देखते हुए पंचायती राज विभाग अध्यादेश लाने की तैयारी में है। जनप्रतिनिधियों के कार्यकाल समाप्त होते ही त्रिस्तरीय पंचायतों के संचालन का कार्य अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा। विकास योजनाओं की तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार BDO, DDC और DM को सौंपने का मसौदा पंचायती राज विभाग तैयार कर रहा है। मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिलने के बाद जनप्रतिनिधियों के अधिकार अधिकारियों को मिल जाएंगे। इधर राज्य सरकार अध्यादेश लाने की तैयारी में है, तो 15 जून से पहले त्रिस्तरीय पंचायतों का चुनाव असंभव होते हुए देखा जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराने के निर्णय को ठंडे बस्ते में डाल चुका है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संपादक राजेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, जिस बात का डर था कि कोरोना की भेंट कहीं बिहार पंचायत चुनाव न पड़ जाए, वो होता दिख रहा है। नहीं बिल्कुल, अब जो हालात हैं, जिस तरह से कोरोना ने कहर बरपाया है बिहार में और अभी भी हालात कंट्रोल में नहीं है, इसको देखते हुए चुनाव आयोग से जो खबरें आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि अब पंचायत चुनाव टाल दिया जाएगा। लेकिन ये जो कि 15 जून तक कार्यकाल है पंचायत प्रतिनिधियों का, वैसे में 15 जून के बाद अगर बात कर ली जाए तो 15 जून के बाद बिहार में मानसून भी ब्रेक करता है, तो आप तय मानिए कि अब जब भी चुनाव होगा तो आप ठंडे के मौसम में होगा, बरसात के बाद ही चुनाव हो पाएगा। इसलिए अब सरकार के पास मात्र एक ही विकल्प है कि अब पंचायत में जो विकास की योजनाएं हैं, जो गतिविधियां हैं, जो कार्य होते हैं, उसको जो स्थानीय जो पदाधिकारी हैं, जैसे BDO हैं, CO हैं, उनको दिया जाए और उनके देखरेख में ही अब वहां पर कोई भी विकास कार्य संपन्न होगा। हालांकि 15 जून के बाद आप ये सरकार जो है अध्यादेश भी लाना होगा, क्योंकि जो पंचायती राज एक्ट है 2006 की जो बात कर ली जाए उसमें किसी अधिकारी के द्वारा पंचायत के कार्य को संचालन कराने का प्रावधान नहीं है। वैसे में बिहार सरकार को पंचायती राज विभाग को एक अध्यादेश लाना होगा और उसके तहत जो पंचायत की जो शक्तियां हैं, जो पावर है, वो स्थानीय जो पदाधिकारी हैं BDO और CO उनके जिम्मे सौंपा जाएगा, ताकि पंचायत स्तर पर जो कार्य हो रहे हैं, चाहे 7 निश्चय हों या अन्य जो भी योजनाएं केंद्र और राज्य की चल रही है, वो निर्बाध गति से चलती रहे। हालांकि उस पर असर जरूर पड़ेगा ऋतिक, और अब सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है। जी, एक सवाल राजेश जी आपसे ये कि जैसा कि आपने बताया कि अब अधिकारियों को ये जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, तो अधिकारियों के लिए भी ये बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि 15 जून के बाद तमाम जो भी जनप्रतिनिधि है उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद से पंचायतों में विकास का काम ठप ना हो जाए, इसके लिए जो प्रशासनिक अधिकारी है जिनको ये जिम्मा, चाहे वो BDO, DDC या DM होंगे, उनको दिया जाएगा, तो उनके लिए भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा कि पंचायत का काम। बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ी चुनौती होगी। एक तो कोरोना काल से पूरा, ये भी आप मानिए कि अभी 1-2 महीने में कोरोना काल खत्म होने वाला नहीं है, थोड़ी सी रफ्तार कम हो सकती है, लेकिन पूर्णतः बिहार से या देश से कोरोना फैल जाने वाला नहीं है। वैसे स्थिति में जो आपका सवाल है, ये हर लोगों के जहन में है कि ऐसे हालात में अगर पंचायत प्रतिनिधि नहीं होंगे तो कार्य BDO के देखरेख में संपन्न कराया जाएगा। ऑलरेडी BDO के पास बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, बहुत सारे काम हैं वैसे में, और 15 जून के बाद बिहार के ज्यादातर जो उत्तरी बिहार के जो हिस्से हैं, अधिकांश हिस्सों में बाढ़ का असर देखने को मिलता है, तो ऑलरेडी वहां पर अन्य जो बाढ़ राहत कार्य हैं वो चलाए जाते हैं, तो आप तय मानिए कि जो सरकार के द्वारा चलने वाली जो योजनाएं हैं वो प्रभावित होंगी। जो अभी जिस रफ्तार से योजनाएं चल रही थी वो योजना अब आगे आने वाले दिनों में नहीं चलेगी। कई ऐसे कार्य हैं, अधिकारियों के पास ऑलरेडी हजारों काम पड़े हुए हैं। वैसे में पंचायत में अगर किसी गांव में अगर नली बनाना है, गली बनाना है, या 7 निश्चय के अंतर्गत नल जल योजना है और भी इंदिरा आवास है, तो ये सारी योजनाएं प्रभावित होगी, क्योंकि जब कार्य जो है सेंट्रलाइज होगा, एक व्यक्ति के जिम्मे हो जाएगा, तो वैसे में अभी पंचायत लेवल पर अधिकारियों का की जो एक टीम है उतनी सक्रिय नहीं है, उतनी ज्यादा संख्या नहीं है। वैसे में जो भी योजनाएं हैं वो प्रभावित होंगी, और आगे आने वाले समय में अब जब भी होगा चुनाव तो आप तय मानिए बरसात के बाद ही पंचायत चुनाव चुनाव आयोग करवा सकती है। जी बिल्कुल, एक आखिरी सवाल आपसे राजेश जी, क्योंकि इस बार का बिहार पंचायत चुनाव भी बड़ा खास होने वाला था, क्योंकि पहली बार EVM से इस बार चुनाव होने थे, लेकिन उसमें भी बड़ा संशय हुआ। दिल्ली में राज्य निर्वाचन आयोग के जो सचिव है उनकी बैठक हुई, उसके बाद सारी बातें हुई, 21 अप्रैल को 15 दिन का वक्त मांगा, और 15 दिन अब पूरे हो रहे हैं, और कोरोना जिस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं
पंचायत चुनाव पे तो कोरोना का संकट मंडरा ही रहा है, लेकिन ये जो बैठक हुई थी इस बीच में भी तो ये फैसले लिए जा सकते थे, लेकिन अब जैसा कि कोरोना अब लॉकडाउन भी लग गया है तो कहीं ना कहीं अब जो पंचायत चुनाव आगे होंगे, क्योंकि अब तो कोरोना का संकट साफ दिख रहा है, लेकिन अब जो पंचायत चुनाव आगे होंगे इसमें कड़ी टक्कर बिल्कुल देखने को मिल सकती है। नहीं बिल्कुल, पंचायत चुनाव एक एक तो अपने यहाँ बिहार में जो है पार्टी बेसिस पे चुनाव नहीं होता, जैसे अभी यूपी में पंचायत चुनाव हुआ वहाँ पर पार्टी बेसिस पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, पार्टियां अपने उम्मीदवार को खड़ा करती है। बिहार में उस तरह की व्यवस्था नहीं है, लोग व्यक्तिगत खुद खड़े होते हैं, उनके पीछे पार्टी नहीं होती है, और जो चुनाव चिन्ह होता है वो चुनाव आयोग देता है, न कि जहाँ पार्टी चुनाव लड़ती है वो पार्टी के द्वारा दिया जाता है। लेकिन ग्राम पंचायत का जो चुनाव है, पंचायत का जो चुनाव होता है वो काफी नजदीकी मुकाबला होता है, 10,000-5,000 की आबादी पर चुनाव होते हैं, वैसे में हार जीत का जो अंतर होता है 100-50,000 के आसपास का अंतर होता है, तो लोग एक ही गांव के होते हैं, 2-4 गांव के आसपास के लोग होते हैं, तो चुनावी टक्कर तो होती ही है। लेकिन ईवीएम को लेकर जो चुनाव इस बार हो रही थी वो अपने आप में नए लोग जितने जो चुनाव कराने वाले जो अधिकारी थे और साथ ही साथ आप बात अगर कर ली जाए तो मतदाता थे उनके लिए भी एक नया होगा, क्योंकि अब तक लोकसभा और विधानसभा में जो चुनाव होते हैं तो या तो विधायक का अगर चुनाव हो रहा हो तो विधायक होता है, लेकिन यहाँ पर एक बूथ पर 6-6 ईवीएम लगाने पड़ेंगे, क्योंकि मुखिया भी होंगे, जिला पार्षद भी होंगे, वार्ड काउंसलर भी होंगे, सरपंच, तो इस तरह से 6-6 उम्मीदवार हैं, तो एक एक बूथ पर 6-6 ईवीएम लगाने की जरूरत पड़ेगी, तो एक नया प्रयोग था। लेकिन फिलहाल अब ये चुनाव चल रहा है, वैसे स्थिति में बरसात के बाद ही चुनाव चुनाव आयोग करा पाएगा, क्योंकि बरसात में अमूमन करीब बिहार का मान लीजिए 3/1 हिस्सा जो है खासकर पूरा उत्तर बिहार का इलाका है बाढ़ से प्रभावित होता है, कुछ आपका मध्य बिहार का जो इलाका है वो भी बाढ़ की चपेट में आ जाता है, वैसे में चुनाव कराना संभव नहीं है, तो हालात को देखते हुए चुनाव आयोग जो है अब जाड़े के मौसम में ही चुनाव यहाँ पे करवा पाएगी। चुनौतियां हैं, लोगों को परेशानी हो रही है और होगी भी, लेकिन उसके बीच में चुनाव भी अनिवार्य एक हिस्सा है लोकतंत्र का, तो चुनाव भी करवाना अनिवार्य है, लेकिन अब ये चुनाव फिलहाल टलता नजर आ रहा है। जी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी। तो बता दें आपको कि पंचायत चुनाव पे कोरोना का संकट साफ दिखता जा रहा है। 21 अप्रैल को चुनाव आयोग ने 15 दिन की मोहलत ली, लेकिन 15 दिन का मोहलत भी खत्म हो गया और कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव पर अब कोरोना का संकट साफ दिख रहा है। कटिहार जिले में तेज रफ्तार ने एक युवक की जान ले ली है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र की है, जहां एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान जबरा निवासी सोनू कुमार के रूप में की गई है, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने गरबेली मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों ने ही जाम का विरोध करने लगे और इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच तकरार हुई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत कराया। सर, ये कटिहार आता था सब्जी लेने के लिए आया था, मार्केट साथ भी खुलती है, पैदल या साथ थी बाइक से सर, इसके पास हेलमेट भी था सर, लगा हुआ था सर, अपने साइड में था और उधर से ट्रैक्टर वाला जो साइड से ओवरटेक करके इसको एक्सीडेंट कर दिया सर, माथा चढ़ गया सर, पहला चक्का चढ़ गया था, मैंने ओवरटेक। कटिहार जिले के बरारी थाना क्षेत्र के सुजातपुर पंचायत में दहेज के लिए अपनी पत्नी को पीटना एक पति को महंगा पड़ गया। लड़की और ससुराल वालों ने लड़के को बांधकर बुरी तरह पीटा। घटना के संबंध बताया जा रहा है कि शादी के बाद युवक लगातार दहेज की मांग को लेकर महिला को प्रताड़ित करता था। फिलहाल पुलिस को मामले की सूचना दे दी गई है, जहां पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। हाँ, बरारी थाना अंतर्गत सुजापुर गांव है, वहाँ एक मुस्लिम लड़का और लड़की की शादी गांव में ही प्रेम प्रसंग के कारण हुई थी। उसी में लड़की जो है मायके में है और गर्भवती है, तो लड़का गया था कि उसको विदागी कराने के लिए, और लड़की को पहले वह लड़का टॉर्चर भी किया था, इस कारण लड़की नहीं गई, और जब लड़का गया तो उसका हाथ पैर बांध दिया है, उसके साथ कुछ टॉर्चर भी किया है। इस संबंध में हम लोग को वीडियो वायरल मिला है, थानाध्यक्ष से बात की गई है और जो उसमें उचित कार्रवाई होगा हम लोग। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, यहाँ दीजिए इजाजत, बने रहिए डीटीवी भारत के साथ, नमस्कार।